करके चला गया और फजीलत से मतलब चला गया और नसीहत करके ना बैठा गया। ऐसा मौलवी क्या पाया? शान फजीलत के समाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह मनुना बिल मारूफ व नहीं काशा का हुक्म दिया। कहीं मेरे बंदे जहां दे कोई अगर बुराई की तरफ जा रहा तो उसको नेकी का हुक्म दे। बोला किस इरादे से नेकी का हुक्म दो? अगर वो पूछे कि भाई तू क्या हैसियत करके मेरे पास आया है, तेरी क्या औकात है कि तू मुझे आगे दीन की दावत कर रहा है? अल्लाह तबारक व तआला का मन से कहने कि मैं अल्लाह का कासिद बनकर आया, मैं दीन का कासिद बनकर आया, मैं हुजूर का उम्मती बनकर आया। मुझे हुजूर ने कहा जा अगर कहीं पर बुराई देख रहा उस बुराई को रोक, बुराई को रोकना मेरा काम है तो मैं बुराई को रोकने आया हूँ। मेरा काम है बुराई को रोको। और जो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब के इल्म को हासिल कर लेता उसके सीने में अगर हदीसें मौजूद हो जाए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उससे उतना ही हिसाब लेता है। तो तेरे पास तो अपना इल्म का बता तूने क्या किया, पर हम हुजूर की उम्मती हैं, हमें हिसाब देना है, हमें हुजूर को मुंह दिखाना है। और हम ऐसी उम्मत है कि हर उम्मत से अफजल है, हम ऐसी उम्मत कि हर उम्मत से अफजल है। फरमाते हैं दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, कहते हैं रोजा माशर अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की उम्मत को ज्यादा मुशर्रफ फरमाएगा, हुजूर की उम्मत को ज्यादा दर्जा देगा, हुजूर की उम्मत को अपने महबूब की उम्मत को ज्यादा अफजल समझेगा और ज्यादा अफजल मकाम पर उसको फाइज फरमाएगा। तो जितनी भी नबी की उम्मतें हैं वो सब अर्ज करेंगे मौला ये तेरे महबूब की उम्मत है, इन्होंने 70 साल जिंदगी पाई, किसी ने 80 साल जिंदगी पाई, किसी ने 100 साल जिंदगी पाई, किसी ने 110 साल जिंदगी पाई, इन 100 सालों में ही तेरी इबादत करते रहे, लेकिन हमें तो हजार हजार साल की जिंदगी अता की गई, हमें 500 साल की जिंदगी अता की गई, 700 साल की जिंदगी अता की गई, हमने पूरी जिंदगी इनसे ज्यादा तेरी इबादत की, इनसे ज्यादा तेरी बारगाह में सजदा किया तो ये राजी किया गया। तो मौला आखिर ऐसी क्या नस्बत इनके साथ है, ऐसी क्या खूबी इनमें है जो आज के दिन इनको आला मकाम दिया जा रहा है, आज के दिन इस उम्मत को तरजीह दी जा रही है, आज के दिन इस उम्मत को तमाम उम्मत से अफजल समझा जा रहा है। तो मौला हम भी तो नबी की उम्मत में गए और हमें ज्यादा जिंदगी पाई तो हमें ज्यादा तरजीह देनी चाहिए थी, हमने तुझे ज्यादा राजी किया, तेरी ज्यादा इबादत की, लेकिन तू तरजीह देता है मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत को। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अच्छा चलो आज एक मुहासरा करते हैं, क्या तुम जानना चाहते हो ना मैं अपने महबूब की उम्मत को तरजीह क्यों देता हूँ? कहा मौला जानना चाहते हैं। कहा ठीक है आओ आज एक मुहासरा करते हैं। कहते अल्लाह तबारक व तआला जितने भी नबी हैं तमाम नबियों की उम्मत से कहेगा देख लो जानना में अर्ज करेंगे मौला हाँ जानना में, कहा देख लो आज कैसे शोले मार कर भड़क रही है, तो अंगारे आग से निकल रहे हैं। कहा मौला देख रहे हैं, तो कूद जाओ इस आग में। बोला आग में कुछ तो आग में कूदने का हुक्म दे रहा है, बोला जहन्नम की आग है इस आग में कूदने का हुक्म दे रहा है। बोला हाँ माना तेरा हुक्म है लेकिन बोला ये दोजख है, ये जहन्नम की आग है, इस आग में शोले दे कितने के, बोला इस आग में कूद जाए। अच्छा नहीं कूद सकते एक तरह का कभी हुजूर की उम्मत को बुलाएगा और हुजूर की उम्मत में से वो सहाबा को बुलाएगा, हुजूर की उम्मत में से दाता अली हजवेरी को बुलाएगा, हुजूर की उम्मत में खाजा गरीब नवाज मोहम्मद चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को बुलाएगा। बुलाकर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ इतना कहेगा कहो गौसे आलम देखो आग शोले मार कर कहीं करेंगे, देख उस आग से शोले बुलंद होकर आगे, मैं तुझे हुक्म देता हूँ इस आग में कूद जा। फरमाते अल्लाह की ये हुक्म अल्लाह का ये फरमान जैसे ही गौसे आलम सुनेंगे एक लम्हा देखना करेंगे उस आग में धिंकती हुई आग में शोले भड़कती हुई आग में जहन्नम की आग में कूद जाएंगे। फरमाते जैसे ही वो कूदेंगे जिस तरह इब्राहिम पर आग गुले गुलजार हो गई थी तो अल्लाह के नबी की इस उम्मत पर भी आग गुले गुलजार हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा देखो फैसला हो गया, तुम कहते हो मैं अपने नबी की उम्मत को तरजीह क्यों देता हूँ, देखो वजह यही तरजीह
دے تاخیر نہ کی ہم اگر چاہتے تو تاخیر کرتے چاہتے تو وقت دیتے لیکن انہوں نے ایسا پسند نہ کیا تو ہم وہ امت ہیں حضور کی ہم کچھ نصیب ہیں ہم اس نبی کی امت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہاں کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں رحمتوں والا برکتوں والا نور والا عرش والا بخش والا معراج والا بلیل کی زلفوں والا بدعا کے پیارے چہرے والا بلفضل کی پیاری پیشانی والا بلنشرہ کے پیارے سینے والا یاسین کے پیارے دانت والا مایاتی کو ان الہوا کی پیاری زبان والا وجلہ کے پیارے چہرے والا ید اللہ کے پیارے ہاتھ والا مایاتی کو ان الہوا کی پیاری زبان والا یا ایو المزمن کی پیاری کمنی والا یا ایو المتصر کی پیاری چادر والا بالخصوص ہم گناہ گاروں بدکاروں سے ہزاروں کی مغفرت فرمانے والا پیارا نبی عطا فرمایا کتنا کریم نبی اور پھر اس نبی کی امت ہو کر اس اگر نبی کا حق ادا نہ کریں تو پھر پکڑ ہو جائے گی نبی کا نام آتا ہے تو ہمارے لب خاموش رہتے ہیں درود نہیں پڑھتے ہیں لب خاموش رہتے ہیں حقیقت جانے اگر درود کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی تو وقت ختم ہو جائے گا دوسرے خطیب حاضر ہو جائے گا